अच्छा बॉबी भाई, निशा बता रही थी अमित आजकल खूब नोट छाप रहा है। हाँ पता है पता है पता है। अरे वो क्या, मैं कुछ छाप रहा हूँ। पैरी मैच के बारे में सुना? पैरी मैच? अरे हाँ पैरी मैच। अरे कुछ ज्यादा नहीं करना, तो उनकी वेबसाइट पे जाओ, अपने पसंद की गेम खेल, लाखों छाप लाखों। मैं भी जाता हूँ अभी पैरी मैच की वेबसाइट पे। पैरी मैच, Play your favorite casino games and win huge cash prizes. Get free deposit bonus of up to rupees 8,000. Parimatch.com. विले पार्ले में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या कर दी गई और ये भी वैसे ही की गई है जैसे पिछले कुछ दिनों में मुंबई के अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों की हत्याएं हुई। लेकिन अजीब बात यह है कि इन सभी हत्याओं का आपस में एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, फिर भी बेवजह लोग मौत का शिकार बनते जा रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर फ्रांसिस डिसूजा का कहना है कि मरने वालों के बीच आपस में कोई कनेक्शन नहीं। उनका मानना है कि ये किसी साइको किलर या सीरियल किलर का काम हो सकता है जो बेवजह सिर्फ मजे के लिए लोगों की हत्याएं कर रहा है। इस घटना के पीछे जो भी व्यक्ति है उसे पकड़ने के लिए प्रशासन पुलिस पर दबाव बना रहा है। इन लगातार हो रहे मर्डर्स की वजह से शहर के लोगों में दहशत का माहौल है और अब देखना यह है कि इन हत्याओं के पीछे कौन सी शक्ति है और किसका हाथ है।
नसें बाहर निकली जा रही है। मैं मरूं या जीऊं तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कल रात को बहुत बुरा सपना आया। सारी जिंदगी बुरे सपने में जी रही हूँ, उसका क्या? किसको जाके सुनाऊं? तुम्हारे पूज्य पिताजी को? ए, उठ यहां से, मोदी जी तेरे लिए स्कूल अटेंड करने नहीं जाएंगे। और सुन, वो बिस्तर ठीक करना अपना, समझा? उठना। उठो ना माँ, चिल्लाओ मत। चिल्लाओ मत, कब उठता है कब सोता है पता ही नहीं चलता। पैर जरा हटा लीजिए। शर्मा जी, सुबह सुबह बाहर गए थे? वो पानी का प्रॉब्लम चल रहा है ना, कारपोरेटर से मिलने गया था। हेलो बेटा। नमस्ते अंकल। आज कॉलेज है? मैंने सुना कुछ हॉलिडे है। हमारे कॉलेज में नहीं है पापा, मैं चलती हूँ। गौरी कुछ सीरियस लग रही है? एग्जाम है, टेंशन। अच्छा अच्छा। हेलो गौरी बेटा। उठ नहीं सकता ना तू? इतनी देर क्यों लगा दी? ट्यूशन लेट खत्म हुआ। जब मैं तेरी उम्र की थी ना, मैंने किताब देखी तक नहीं थी। हाँ हाँ, इसीलिए तो इतने सालों से हमें पढ़ रही हो। दीदी, दीदी मैं यहाँ हूँ। दीदी 5 रुपया तो देना। नहीं देना है तो मत दे। कुछ नहीं, नहीं रे, कुछ तो गड़बड़ है। अरे चल चल चल। तुम्हें तो काय करते हैं? हाँ, गंजा मार रहे हो क्या? क्या तू इधर आ? ए इधर आ।
चल इधर है। चिलम पिता है क्या? चल निकल। खाने में नमक तो ठीक से डाला करो। जैसा बनाया ना वैसा खा लो, टेटर मत करो। जब देखो कभी कम नमक कभी ज्यादा नमक। अरे जैसा होगा वैसा बोलूंगी ना। एक दो दिन में भेज दो इनको गाँव, या तो ये रहेंगी यहाँ या मैं रहूंगी। तू तो यही चाहते है ना। आज तक में आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बांद्रा सी पेस के पास दो पेट्रोलिंग कांस्टेबल्स को किसी ने बुरी तरीके से पत्थर मार के उनकी हत्या कर दी। इसके साथ ये महीने का 10वां मर्डर काम करती रहती और ये सीरियल किलिंग्स का मामला लगता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई है, जिसके चीफ हैं इंस्पेक्टर फ्रांसिस डिसूजा। इंस्पेक्टर फ्रांसिस ने हमको बताया है कि पुलिस पूरी कोशिश कर रही है ये पता करने की इन हत्याओं के पीछे किसका हाथ है। अब तुझे क्या हुआ गौरी? जरा हंस के खा। बस एग्जाम्स के बारे में सोच रही थी। सोचो मत, पढ़ो। अब उसे क्यों डांट रही हो? उसको नहीं डांटो तो किसको डांटो? अपने आप को डांटो। वो एग्जाम परीक्षा तो उसको देनी है ना। एग्जाम और बच्चों के सामने मुझे विलन मत बनाया करो। अरे जो है वही तो बनाएंगे ना। अरे बल्लू भाई, भाई सुना है अमित नोटों में खेल रहा है आजकल। नई गाड़ी में गॉगल्स लगा के घूमता है भाई अपना। हाँ पता है। अरे वो क्या, मैं भी नोट कमा रहा हूँ, तू भी कमा। पैरी मैच के बारे में नहीं सुना क्या? पैरी मैच? हाँ, पैरीमैच.com पर जा, अपने मनपसंद कैसीनो गेम्स खेल और खूब पैसे कमा। तो आज ही पैरीमैच.com पर रजिस्टर करो, खेलो एक से एक जबरदस्त कैसीनो गेम्स, जैसे अंदर बाहर तीन पत्ती, ब्लैक जैक एंड रूलेट, और जीतो ह्यूज कैश प्राइजेस। अभी साइन अप करने पर मिलेगा फ्री बोनस। पैरीमैच.com। क्या बात है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं। क्या है ये?
क्या कर रही है अंदर? डरो मत, पापा है। कबर्ड में पता नहीं कैसे कैसे पहुंची वहां। उसे पूछो तो कुछ बोलती नहीं, पर पहली बार हुआ, पहली बार। बहुत बहुत डरा। तुमने कहा था ना एग्जाम का टेंशन, शायद उसी वजह से होगा। चेक कर लिया मैंने आपकी बेटी को, तो ठीक है। तो फिर ठीक है ठीक नहीं है? पढ़ाई में कैसी है? ठीक है पढ़ाई में। कैसी है? ठीक है। अभी एग्जाम है।
तो टेंशन में है। हो सकता है नाटक कर रही है। हाँ? पढ़ाई से बचने के लिए नाटक कर रही है। क्या? नहीं, मैं अपनी बेटी को जानता हूं। मेरी बेटी नाटक नहीं कर रही। वो ऐसी नहीं है। आजकल के बच्चों को उनके पेरेंट्स नहीं जानते। प्रिया जी, मल्टी विटामिन्स लिख रहा हूं जी। ओके, इनको बताओ। डोंट वरी, शी विल बी फाइन। एग्जाम के टेंशन में नाटक कर रही हो गौरी? बोल ना। सुनो गौरी,
क्या किया है तूने? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सो रहा था, ये चिल्लाने लगी। ठीक है ठीक है। गौरी 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 क्या हुआ? गौरी गौरी जवाब दे, मुझे जवाब दे, नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा, सच कह रही। गौरी वो डरी हुई है। गौरी 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 तुम्हारी सुन क्या हुआ है? दुखेगा थोड़ा। मैं तेरी नर्स नहीं हूं, जो मन करेगा अंदर घुसा देगा। पापा 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 इधर इधर हाथ लगा रहा है। मैंने कब हाथ लगाया? मेरे हाथ से लगा रहा है, कोई मेरे हाथ नहीं चुका। ऐसी नहीं कैसे ऐसे कोई नहीं है। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? तुम्हें क्या लगता है? क्या पता, तुम्हारा आजकल कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या, और मुझे अच्छा लग रहा है। कभी कभी तो लगता है जैसे मैं ही नहीं, कोई और है। एक बात बोलूं, उस दिन हम पार्क गए थे ना, तो पार्क में मुझे भी यही लगा कि तुम नहीं थी, कोई और ही था। कोई और? मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर कोई भूत आ गया है। ए लक्कू, कॉफी लेके आ। किससे बात कर रही हो? तुझसे बात कर रही हूँ, और किससे? मुझसे ऐसे बात करेगी तुम? ए खबरदार, चीर के रख दूंगी। क्या हुआ? गाली दे रही मुझे। गौरी गाली और नखरा दिखाए ना, मार दूंगी। क्या 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 बोल रही हो तुम गौरी? तुमने अभी गाली दी माँ को? गौरी गौरी क्या 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 हो रहा है? क्या क्या? मैंने क्या क्या क्या? मैंने
क्या किया मैंने? क्या हो रहा है मुझे पापा? नहीं कुछ कुछ बोला मैंने कुछ कुछ, कुछ। नींद में चलना, बुरे सपने, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब तो बात यहां तक आ पहुंची है कि वो बदतमीजी से बात करती है, घूर के देखती है। मुझे तो डर लगता है ये कहीं भूत भूत का तो मामला नहीं। सुना, तुम उसे किसी तांत्रिक के पास लेके जाओ, बोरी बंदर के एरिया में एक है। हाँ, मेरी सलाह मानो, तुम उसे तांत्रिक के पास फौरन लेके जाओ। भरवे, रोज रात में तू तेरा हाथ में लेके गौरी को सोचते हुए मारता रहता है। गौरी क्या बोल रही तू? मैं नहीं जानती गौरी। जब तू मारता रहता है ना, तेरे रूम में कोने में बैठ के मैं तुझे देख रही होती हूँ। ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं भी झूठी। झूठ बोला ना? छोड़ मुझे, छोड़ो, गौरी, सुनो, मेरी बात सुनो, गौरी, मैं क्या बोल रहा हूँ? गौरी, मेरी मेरी बात सुनो, सुनो, आप क्या बोल रही हैं? गौरी, गौरी, गौरी से मिलना है, बात हुई है। आजा 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 आ आजा 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 कोई बात नहीं बेटा, बैठ 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 बेटा, बैठ बैठ बैठ, कोई बात नहीं, बैठ। कौन है तू? कौन है तू? अरे क्या कर रही है? मैं जानता हूँ तू सब कुछ है। कौन है तू? कौन है तू? मैं जानता हूँ तू उसके अंदर है। बोल कौन है तू? क्यों आया तू अंदर इसके? बोल 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 बोल। देख तू नहीं बोलेगा तो बहुत बुरा करूंगा मैं तेरा। कौन है बोल? कौन है बोल? बोल कौन है तू? बोल बोल बोल।
बोल कौन दिख रहा है? बोल कौन है तू? क्यों आया? हमारी गलती नहीं, बेटी ठीक होगी, ठीक होगी मेरी बेटी। समझ में नहीं आ रहा, हम लिखे पढ़े नहीं ना बेटी, समझ में नहीं आ रहा। भगवान से उनसे कहें हमारी बेटी को ना परेशान मत करो, प्यारी बेटी है हमारी। शर्मा अंकल, शर्मा गांव जा रहा है।
शर्मा। तू रोड पे तो भाग गया, तुझे क्या लगा तू गांव जाकर बच जाएगा? बार बार रुकने की जिद मत करो, गौरी के साथ जो हो रहा है, गौरी जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम दोनों गांव में ही रहो। चलो बैठो आराम से। अरे माना, अरे यार इतना अच्छा शॉट। क्या मजाक है? गौरी तू यहां पे क्या कर रही है? तुझे लगता है मैं डर जाऊंगा ऐसे? Thank you.
फैलाना। अरे दिन में सपने देख रहा है क्या? चाय लाना। मेरी बेटी के साथ कुछ हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। साहब आप किसी को जानते हो जो मेरी बेटी की मदद कर सकता है? सिर्फ इस लाइट को देखती रहो। सिर्फ लाइट की तरफ देखती रहो। तुम्हारे अंदर जो है मैं उससे बात कर रहा हूं। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? बाबू। पूरा नाम? उससे तेरे को क्या लेना देना है? पूरा नाम बोलने से डरता क्यों है? ये तो तेरी जो साइकेट्रिस की लंबी डिग्री है ना, उसकी पत्ती बना के अपने कान के अंदर घुसा ले। क्या चाटेगा क्या? There's a fifth too, I think. भाई, step out करके छक्का मारेगा अगली बॉल पे। पागल है क्या? उससे बॉल टच हो नहीं रही। 100% छक्का मारेगा। नहीं मारेगा, मिस होगा। शर्त हो गई? शर्त लगा ले। 100-100 की? पक्की बात है। अरे बच्चे हो गया तुम लोग? क्या 100-100 की लगा रखी? बड़ा सोचो यार। बड़ा बड़ा मतलब? बड़ा मतलब पैरी मैच। पैरी मैच, पैरी मैच। That's huge! पैरी मैच की वेबसाइट पे जाओ, बेट लगाओ और जीतो। 100-100 नहीं, सीधा हजारों लाखों करोड़ों कमाओ। Place your bets on your favorite sports like cricket and football and win huge cash prizes. Get free deposit bonus of up to rupees 8,000. Parimatch.com. आपकी बेटी एक acute case of DID से सफर कर रही है। आपको समझाऊंगा। क्या है कि अच्छी तरह से स्टडी करके ट्रीटमेंट का एक करेक्ट प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वक्त लगेगा लेकिन आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डोंट वरी। पर ये बात आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? मुझे बोल के कुछ फायदा नहीं है। आपको ये बात आप डिपार्टमेंट में बोलिए ना, HOD को बोलिए। मैंने की थी बात, लेकिन अरे मेरे सामने कीजिए। लेट मी सी हर, मैं बोलूंगा ना आपके साथ साथ में आपके। आप डरते क्यों हैं? ठीक है सर, आई एम विद यू। या डोंट वरी। अरे ये क्या है सर? कब कब कब? हाँ कब कब?
डॉक्टर और नर्स दोनों का मर्डर हो गया है। इंस्पेक्टर फ्रांसिस का कहना है कि इन दोनों के पीछे भी वही साइको किलर का हाथ हो सकता है। ये दोनों मर्डर के साथ सिर्फ पिछले दो हफ्ते में 6 और मर्डर्स हुए हैं। पर इंस्पेक्टर फ्रांसिस ने कहा कि यकीन से नहीं कह सकते कि उनके पीछे भी वही साइको किलर का हाथ। मैंने ही इन दोनों को एक दूसरे से मरवाया और बस इन्हीं दोनों को नहीं, पिछले दो हफ्तों में 6 लोगों को मरवाया। और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, कहने के लिए तो तुम बहुत बड़े तोप हो ना, बाहर वालों के लिए एक टॉप ईमानदार ऑफिसर और घर में खुद ही की बीवी के साथ धोखा। बाहर वालों के लिए एक निडर पुलिस वाला और यहाँ जिस लड़की के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है उसी का नाम लेने से डरते हो। सुन सुन मेरी बात, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है मैं, समझी? 23 क्रिमिनल्स को अपने हाथों से मारा है मैंने, तेरे को मारने में ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्क नहीं पड़ता है तो बता क्यों नहीं देते मुझे उसका नाम? साली कितना परेशान करती है ना, मेरे सामने ना क्रिमिनल्स अच्छे लगते हैं और अगर एक भी शब्द बोला ना ठोक दूंगा। झूठ नहीं बोल रहा मैं, हट जा। सर अंदर एक आदमी आया हुआ है, किसी ऑफिस का प्यून लगता है, लेकिन वो कह रहा है कि आजकल जो बंबई में मर्डर हो रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है उसके पास। सर क्या नाम? जा बैठ। क्या जानता है? जो मर्डर्स हुए उसके पीछे कौन है? मेरी
बेटी। क्या गौरी कॉलेज में पढ़ती है, कासिम? यस सर। अगली बार से ऐसे पागलों को मेरे सामने लाए ना, थप्पड़ मारूंगा तेरे को। लेके जा उसको। मैं पागल नहीं हूं सर। आउट सर, मैं आउट बोला सर। मैं कह रहा हूं एक मैं जो बोल रहा हूँ सुनकर आपको लग रहा है कि मैं पागल हूँ। मैं पागल नहीं हूँ सर। जो मर्डर हुआ था वो मर्डर कैसे हुआ था मैं बताता हूँ आपको। बांद्रा में जो मर्डर हुआ था उसकी आंख निकालकर उसी की मुट्ठी में ले रही थी, उसका पेट चीर कर उसकी आंखें आतड़ी पेड़ पर चल रही थी। रुकने बोला सारा जो डीलर हमने मीडिया को नहीं दिया इसको कैसे पता है? बैठ। क्या नाम बोला तू? राव। बेटी का नाम गौरी, कॉलेज में पढ़ती है। तेरा घर किधर? अगली बॉल पे छक्का लगा ना तो पार्टी मेरी तरफ से। अबे विकेट है बेटे, आउट हुआ ना तो पार्टी मेरी तरफ से। इन दोनों का तो पता नहीं पर अब पार्टी हर बॉल पर होगी पैरी मैच की तरफ से। पैरी मैच और क्या, पैरीमैच.com पर जाओ, अपने फेवरेट स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट और फुटबॉल पर बेट करो और जीतो बिग कैश प्राइजेस। तो हुई ना पार्टी पैरी मैच की तरफ से। अभी साइन अप करने पर मिलेगा फ्री बोनस। पैरीमैच.com। तेरा ही इंतजार कर रहा था। याद है वो बरसात की रात जहां तू था, मैं था और कोई नहीं था। मेरा नाम क्या है बताओ बाबू। सब बताइए ना।
बोल रहा है? ये उल्लू जैसा क्या देख रहा है अबे? मैं क्या सोच? अबे चूतिए, चिल्लाता क्यों है? आराम से बैठना, आराम से बैठना। आ, सताऊंगा नहीं। बैठ, आजा, 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 बैठ, 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 बैठ। क्या है ना राव, 2 साल पहले उस पुलिस वाले ने मेरे को मार दिया और मैं आत्मा बन गया और मेरे मारने का काम रुक गया। उस चूतिए ने मुझे गोली से उड़ा दिया। मैं बाबू साइको किलर था। मतलब तू क्या कह रही है गौरी? अरे गौरी नहीं रे लक्कू, समझती नहीं। अभी बताए ने तेरे को बाबू साइको किलर राव। तेरे को मालूम है हम आत्माओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हमारे पास शरीर नहीं होता, शरीर, और बिना शरीर आत्मा हवा में भटकती रहती है। पर मैंने ये शैतान को बोला, मैंने मुझे शरीर चाहिए, शरीर। तो शैतान ने कहा अगर तेरे को मारने का काम रुकने से इतनी तड़प है तो जा ढूंढ ले कोई शरीर, घुस जा उसके अंदर। मैं यहाँ इसके अंदर घुस गया। मतलब तुम जो भी हो, तुम इस गौरी के शरीर के अंदर हो। आंटी तेरे को समझ नहीं आता, पूरी रामायण सुनने के बाद पूछ रही है सीताराम की कौन है? बाबू, बाबू, गौरी जी क्यों? गौरी क्यों? अच्छी लगी, मेरे को अच्छी लगी। मस्त है तेरी बेटी। लाओ सुन, एक बार सुबह को कब्रिस्तान की दीवार पर बैठा था मैं और तेरी बेटी सड़क पे जा रही थी। फिर मैंने शैतान को बोला मुझे इसके अंदर घुसना है। शैतान ने कहा ट्राई कर ले। क्या है ना राव, इतना आसान नहीं होता किसी के अंदर घुसना। एकदम दबा दबा के उसको डरा के एकदम कंफ्यूज करके फिर मैं इसके अंदर घुस गया। तुम चूतिए जिंदा लोग कभी ये सोचते हो कि बहुत सारे लोगों को आत्मा क्यों नहीं पकड़ पाती? क्योंकि बहुत मुश्किल है, वो सिर्फ मेरे जैसी काबिल आत्मा ही पकड़ पाती है। समझ गया? राव एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेगा ना? तेरी बेटी मस्त है, बहुत मजा आ रहा है मुझे इसके अंदर। दर्द हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे मरना नहीं है। तुझे कुछ नहीं होगा माँ,
कुछ नहीं होगा। झूठ झूठ बोल रहे हैं। देखो मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे मरना नहीं है। देखो हेलो बोलो। डॉक्टर देवाशीष जी, मेरी बेटी के साथ बहुत अजीब हो रहा है, आप प्लीज मेरे घर जल्दी आ सकते हैं क्या? प्लीज देवो, आइए। देवू मुझे बहुत डर लग रहा है, मरना नहीं है। देवू नहीं 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 की जिम्मेदारी हमारी है। मुंबई पुलिस के लिए यह बहुत गर्व की बात है, इसलिए हमें हर वक्त सतर्क रहना। सर क्या क्या बात है फ्रांसिस? सर मुझे आपसे बात करनी है सर, अभी। फ्रांसिस तुम्हें दिखता नहीं है कि मीटिंग चल रही है यहां पर? सर बहुत अर्जेंट है। गो आउट। सर बहुत अर्जेंट है सर, मुझे आपसे अभी बात करनी है, अकेले में सर। आप लोग सब लोग जाओ यहां से अभी। फ्रांसिस ये क्या बकवास है? जाओ यहां से अभी। फ्रांसिस सर प्लीज। आई एम सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज अस प्लीज। सर क्या बात है, क्या है ये अर्जेंट बात? सर ये जो शहर में मर्डर हो रहा है ना सर, वो सारे मर्डर। कम ऑन फ्रांसिस स्पीक। सर आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे सर। फ्रांसिस ये क्या है? फ्रांसिस मेरी बात सुनो, बताओ ये क्या, बताओ क्या बात है? सर ये जो मर्डर्स हो रहे हैं शहर में, क्या तुम्हें कुछ मालूम पड़ा किसने किया? सर याद है सर, 2 साल पहले एक साइको किलर था जिसका केस हम कोर्ट में प्रूफ ही नहीं कर पाए थे। सर आपने मुझे उसका एनकाउंटर करने को बोला था। फ्रांसिस वो 2 साल पुराने मर्डर केस का इससे क्या मतलब? सर सर एक लड़की है सर, सर एक लड़की है
सर उसका बाप आया था सर। राव, उसके बाप ने बताया कि वो लड़की जानती है सारे मर्डर्स के बारे में। सर, सर मैं पीता नहीं हूँ सर। आई डोंट ड्रिंक, यू नो दैट सर। वो किसी पार्टी में आपने मुझे देखा, अब मुझ पर शक कर रहे हैं। फ्लैश सर, टेक इट इजी। मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा। फ्लैश सर, टेक इट इजी। समझ में नहीं आ रहा सर, क्या हो रहा है सर? सर मैं कोशिश कर रहा हूँ सर। सर आप यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूँ सर। सर उस लड़की के अंदर भूत है सर। हाँ सर, वो जो लड़की है उसके अंदर उस साइको किलर का भूत है। मैं उसकी आवाज पहचानता हूं सर। उस लड़की ने मुझसे उस साइको की आवाज में बात की है। मैं उस किलर की आवाज पहचानता हूं सर। हाँ देखो फ्रांसिस, मैं जानता हूं कि पिछले 5-6 दिनों से सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पे बहुत प्रेशर हो रहा है। पानी पियो, बुरा मत मानना। और इस पर लेकिन अभी 8-10 दिन के लिए छुट्टी ले, कोई ऐसी जगह जाओ जहां सुकून हो, तुम्हारे दिमाग को आराम मिले, और खर्चे की फिक्र मत करना, मैं डिपार्टमेंट से क्लियर करवा दूंगा। एक्सक्यूज मी फ्रांसिस, द ग्लास प्लीज। थैंक यू। मैं एक अच्छे साइकाइट्रिस्ट को भी जानता हूं। थैंक यू सर। मैंने सोच लिया, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार डालो, वैसे भी कौन सा जिंदा हूं मैं। लेकिन अगर तुमने मुझे उस लड़की के बारे में नहीं बताया तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मुझे सच जाना है बस। मैं उस लड़की से मिला, उस लड़की के अंदर भूत है। भूत? वो लड़की? देखो तुम, मैं उस लड़की की बात नहीं कर रहा, उस लड़की की बात कर रहा हूं जिसके अंदर उस किलर का भूत है। क्या? हाँ, एक लड़की है, उस लड़की के अंदर उस किलर का भूत है जिसको 2 साल पहले मैंने मारा था, याद है तुमको? वो मैं तुमसे यहाँ सच जाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे इतनी अजीब कहानियां सुना रहे हो। क्यों क्या लगती हो क्या मैं तुम्हें? हाँ बताओ मुझे, क्या समस्या है मुझे? सुन सुन मेरी बात, मेरी बात सुन। सुन बोल रहा हूँ, उसके अंदर उस किलर का भूत है। कमिश्नर सब कह रहे थे मैं पागल हो गया, मुझे भी लगता है पागल हो गया। तुम सच में पागल हो? Mm-hmm.
तुझे याद है? याद है, यही घोड़ा रखा था मेरे माथे पे ऐसे ही, वैसे ही मारूंगा तुझे मैं। मजा आएगा। हिलना मत, हमारी मुलाकात होगी। देवो, आई एम सॉरी टू बार्ज इन लाइक दिस, बट जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं, इट्स वेरी अर्जेंट एंड वेरी डिस्टर्बिंग। ऐसा है कि मेरा एक जूनियर ऑफिसर है, फ्रांसिस, बहुत ही अच्छा ऑफिसर है, इज गॉट अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड, लेकिन कल उसने आके ऐसी बात की मुझसे कि मुझे उसके मानसिक स्थिति पे, उसका मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूं देवू जी। 2 साल पहले इसी ऑफिसर ने एक किलर को मारा था। अब एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में वो एक लड़की से मिलने गया था, और ये ऑफिसर का कहना है कि वो किलर जिसको उसने 2 साल पहले मारा था, उस किलर का भूत उस लड़की के अंदर है। आई डोंट नो, इट्स वेरी स्ट्रेंज, कुछ समझ में नहीं आ रहे थी वो। एक्सक्यूज मी, अरे कहा था ना मैं बिजी हूं, क्या बात है? क्या? इट्स इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। देवो, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, जिस ऑफिसर की मैं बात कर रहा था उसकी मृत्यु हो गई। पहले उसने अपनी बीवी को मार डाला और फिर खुद अपने आप पे गोली चला दी। आत्महत्या, ये कैसे हो सकता है देवो? ये क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये उस ऑफिसर का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उस लड़की के अंदर का भूत है। यस ऑफिसर, यस। देवो, मस्त है रे इधर, मुझे बहुत मजा आ रहा है, तू कैसे उधर? चूतिया, क्या है बे तू? साइकेट्रिस्ट? बड़ा हिप्नोटाइज कर दिया मुझे भोसड़ी के। मैं गौरी के जो अंदर है उससे बात कर रहा हूं। तेरी मां से बात करेगा? एक बात बोलो, तेरी मां मस्त है, बहुत मजा दे रही है मुझे। समझ गया। हुँ?
प्रिजनर, तेरे फ्रांसिस कब दिया ना मैं? अभी वो इधर ही है हमारे साथ। सर, सर मैं सच बोल रहा हूं, अब मेरी बात का यकीन कीजिए सर। सर लेकिन फ्रांसिस को कैसे मार सकती हो? तुम तो यहां हो। मेरे बहुत दोस्त हो गए उस तरह। देवू, मरने के बाद सब लोग दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ तुम जिंदा लोगों की होती है, कुछ पैसों की और कुछ रिश्तों की। देवू, मौत सब लोगों को प्रॉब्लम खत्म करके एक होना सिखा देती है। कैसा लगा मेरा ज्ञान? तेरी डिग्री से तो अच्छा ही है ना, कुछ सीख ले, काम आएगा। पापा, पापा, मुझे मुझे बचा लो पापा। करे, बाबू को निकालिए मेरे अंदर से पापा। करे, पापा, करे, पापा, मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। चूतिया बना दिया ना तुम लोगों को। मैं तो बस गौरी का नकल कर रहा था। क्यों बे कमिश्नर, तो बड़ा पुलिस कमिश्नर बनता है ना? मैं अब गौरी के अंदर रहकर इतने मर्डर करूंगा तो गिनती भी नहीं कर पाएगा। अभी अभी मैं वर्सोवा में 3 लोगों को मरवाया, अब तो तू मेरे को मार भी नहीं सकेगा, इसलिए क्योंकि मैं पहले से ही मर चुका हूं। मेरे को मारने के लिए इसकी बेटी गौरी को मारना पड़ेगा। कैसे मारेगा? बोल। अब मैं थक गया हूं। सोना चाहता हूं। डिस्टर्ब मत करो रे। सुबह में जो 3 मर्डर का बोला था वो सही निकला। अब क्या करें? क्या कर सकता है? सुनो, इन्हें वो उसके बारे में बताएं। तुम पढ़े लिखे लोगों की दिक्कत ये है कि जब अंधेरा होता है लाइट ऑन कर देते हो,
तो जो कुछ उसमें दिखता है उस रोशनी के सीमित दायरे में तुम्हें लगता है तुमने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ जान लिया है। उस रोशनी के छोटे से सीमित दायरे के बाहर विशाल अनंत अनंत अंधकार, जो उस छोटे से रोशनी के घेरे को घेरे हुआ है, उस अनंत अंधेरे को मैं पढ़ता हूं, अंधेरे को मैं पढ़ता हूं। तेरी बेटी के बॉडी को वो एक साधन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सब आत्माएं खूनी नहीं होती, लेकिन जो तेरी बेटी के अंदर है वो खूनी है, पागल खूनी। वो नहीं निकलेगा, उसे मार के तो निकाल नहीं सकते हो। मरे हुए को क्या मारोगे? उस जगह को तकलीफ देनी पड़ेगी जिसमें वो है, तेरी बेटी के शरीर को। तुम ठीक कह रहे हो, यही ये तरीका होगा। क्या मतलब? क्या तरीका? देखो ना, जब मरीज को जानलेवा बीमारी हो जाती है तो डॉक्टरों का फर्ज होता है उसे ठीक करने के लिए बीमारी को निकाले, लेकिन जब ये तय हो जाता है कि बीमारी निकाल ही नहीं सकते तो फिर बीमारी को मानने के लिए मरीज को मानना पड़ेगा। इनको मानना चाहिए, बेटी है मेरी, राव तुम क्या कर रहे हो? राव समझने की कोशिश करो। राव जब कोई टेररिस्ट आतंकवाद फैलाने के लिए किसी को बंदी बना देता है और उसका सहारा लेकर मतलब तबाही फैला रहा हो और उसको रोकना नामुमकिन हो, तो बाकी लोगों को बचाने के लिए कभी कभी बंदे की भी कुर्बानी देनी पड़ती है। राव हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। राव 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 मैं जानता हूं, हम तुम्हारी बेटी को मानने के लिए कह रहे हैं, हम बाहर वाले हैं, हमारे लिए सब बातें करना बहुत आसान है,
मैं जानता हूं तुम पे क्या गुजर रही है, ये तुम्हें पता है। मैं कमिश्नर, वो तांत्रिक, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते ना। समझने की कोशिश करो, जब हम तांत्रिक के पास थे मुझे मैसेज आया था कि चार और लोगों का खून हो गया। मीडिया और पब्लिक चिल्ला रही कि पुलिस क्या कर रही है, इस खूनी को पकड़ क्यों नहीं रही है। अब मैं क्या बोलूं कमिश्नर की हैसियत से कि ये खून एक लड़की के अंदर भूत कर रहा है। अब सोचेंगे कि मैं पागल हो गया हूं। राव, कोशिश करो, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। राव, तुम भी जानते हो कि तुम्हारी बेटी का कोई भविष्य नहीं है। क्या होगा आगे उसके साथ, खून पे खून, हम सब हार गए रहो, पुलिस, तांत्रिक, हम और क्या कर सकते हैं। तुम ही बताओ क्या चॉइस है हमारे पास। क्या चल रहा है खराफात, किसके पास जाना है तुझको? नहीं, वो अभी मदद के लिए किसी से भी नहीं मिलेगा। और मान लिया, अभी हमने मान लिया कि तुम गौरी को पसंद करते हो तो गौरी को नहीं छोड़ोगे तो क्या कर लेगा बे तू? नहीं मतलब क्या कर लेगा? उसके अंदर रहेगा हमें शाह के लिए। तो दिमाग मत खराब कर, बोल जो बोलने आए बोल। मान लिया तुम उसके अंदर ही रहोगे, ये बोलने आया था तू मुझे? वो तो मेरे को भी पता है मैं अंदर रहूंगा। मुद्दे पे आ, हम लोग और कुछ नहीं करेंगे, हम लोग तुम्हारे साथ ही रहेंगे, बस इतना ही।
थैंक यू रॉ, थैंक यू। बैठना बैठना। रॉ, तुम जो ये सब कर रहे थे ना, उससे मेरा इरिटेशन बढ़ रहा था। मैं इरिटेट हो गया था। अब क्या प्रॉब्लम है? अब कुछ बाहर वालों को लगेगा मैं बस तेरी बेटी है, तू अपना काम करते रहे और मैं अपना मारने का काम चालू रखूंगा। अब इस सीक्रेट के बारे में कमिश्नर और साइकेट्रिस्ट को मालूम है, इसलिए अब मैं उन्हें मरवाऊंगा और तभी गांव में तेरे बेटे और तेरी माँ को भी मरवा दूंगा। फिर हम तीनों आराम से अपने सीक्रेट के साथ जिएंगे। अब क्या डर रहा है? आराम से जिएंगे। ताली मार। जो कुछ भी लिख रहा हूं उसे पढ़ने के बाद तुम्हें बहुत शौक लगेगा, क्योंकि तुम मेरी सिर्फ बेटी ही नहीं, तुम खुद एक साइकियाट्रिक हो। मेरे 40 साल के करियर में मैंने हमेशा सुपर नेचुरल सुपरस्टिशंस के खिलाफ हर चीज को लॉजिक और रैशनल थिंकिंग से ठुकराता आया हूं, लेकिन एक ही एक्सपीरियंस ने मेरे पूरे बिलीफ सिस्टम को हिला दिया है। देवू, नहीं, नहीं, नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब तक मेरी पूरी जिंदगी में जैसे भी था, मैं अपने आप को जोड़ नहीं पा रहा हूं। उस तांत्रिक ने कहा अंधेरों को पढ़ना जरूरी है, लेकिन कोई कैसे रोशनी और अंधेरे को अलग करके स्टडी कर सकता है? कैसे कितनी भी रोशनी हो, कैसे एक आनंद अंधेरे को पढ़ने के लिए काफी है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में रोशनी का सहारा लिया है और रोशनी मेरी ताकत थी, लेकिन अब मैं अंधेरे से डर रहा हूं और शायद मेरे मरने तक डरता ही रहूंगा। दौड़ 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 दौड
open the door.